मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कानपुर शहर में अपनी पहचान को जीवित करने की दिशा में अग्रसर हो चला है। उद्योग जगत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ साथ रिटेल और थोक विक्रेताओं के लिए यूपी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय ग्रैंड गारमेंट फेयर का आयोजन किया गया। मोतीझील लॉन में लगे इस गारमेंट महोत्सव में 400 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए। गारमेंट महोत्सव का शुभारंभ सांसद सत्यदेव पचौरी और महापौर प्रमिला पांडे ने फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि आज के समय में भी ऑनलाइन प्रक्रिया तेजी से कार्य कर रही है। इस प्रक्रिया को लेट करने के लिए यह महोत्सव को लगाया गया है। देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कानपुर कभी मैनचेस्टर कहलाता था, कपड़े की मिलें बंद हो चुकी हैं, उसके पुराने स्वरूप को वापस लाने के लिए हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट के ऊपर फोकस किया है। रेडीमेड गारमेंट यहाँ कुछ बाजारें ऐसी हैं जहाँ पे कारोबार अच्छा चल रहा है, निर्माता भी यहाँ पे, तो जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें पूरे उत्तर भारत से लोगों को बुलाया गया यहाँ पे, और ख़ासकर कानपुर को फिर मैनचेस्टर का रूप दिलाने के लिए हम लोगों ने छोटे निर्माता, बड़े निर्माता, उद्यमी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आज फैशन के दौर में ऑनलाइन का समय है, ऑनलाइन को अगर हम लोगों ने लीड करना है तो एक कदम उनसे आगे सोचना पड़ेगा। नए फैशन की चीज़ें कम लागत पर और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हम लोगों को देने का उद्देश्य है। इस वजह से यहाँ पे 14-15-16 को हम लोगों ने फेयर लगाई 4 दिन की, और इस फेयर का एक उद्देश्य और भी है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कानपुर को जो है कपड़े में जो है रेडीमेड गारमेंट में लाया गया है। इसके तहत भी हम लोग चाह रहे हैं कि कानपुर एक बार फिर से वही पुराने स्वरूप को अपने वापस लिया है। ये मेला इसलिए लगाया गया है कि कानपुर में व्यापार को उन्नति दी जाए और 7-8 जो एसोसिएशन थी उनको सबको जोड़ के एक कानपुर UP GMTA बनाया गया है ताकि सारी एसोसिएशन एक साथ आ जाएँ, और इनको आने के बाद इस मेले को इसीलिए किया गया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। क्या कुछ है इस मेले में, लोग जब आए तो सबसे ज़्यादा आकर्षण? ये मेला जो है ये होलसेलर टू रिटेलर है, ये जनरल पब्लिक का नहीं है, इसमें सेल नहीं है। इस मेले में होलसेलर को रिटेलर अपना माल बुक करेगा और माल बुक कर रहा है, और ऑल ओवर UP से, आपके अहमदाबाद से, लुधियाना से, सब जगह के व्यापारी यहाँ आए हैं और वो व्यापारी यहाँ माल अपना लगाए हुए हैं और उनसे लोकल लोग वहाँ से माल बुक कर रहे हैं, यूपी के लोग। इसका उद्देश्य तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि कानपुर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत अरसे से बिजनेस हम लोग खोते जा रहे हैं, जो हमारे आसपास की मंडियाँ हैं वो सब दिल्ली के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर डिपेंड होती जा रही हैं रेडीमेड के मामले में, तो उन ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए ये एक बहुत वृहद मेले का इंतजाम जो किया है ये बहुत सराहनीय कदम है, और इससे बिल्कुल निश्चित तौर से प्रदेश के और कानपुर के काफ़ी कदम एक साथ आगे बढ़ेंगे।